सो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिंस RS पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A12 की। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑटो कॉल रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसकी सेटिंग को हम करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम इसे इजीली यहाँ से बैक कर देते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से करते हैं। तो हम डायलर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हैं गाइस, आपको यहाँ पर रिकॉर्डर कॉल्स, इस पर एक बार क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ऊपर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे कॉल रिकॉर्डिंग और ऑटो रिकॉर्डिंग कॉल्स। तो इस पर एक बार क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद कंफर्म कर देना है। तो ये ऑन हो चुका है। तो गाइज इस तरह से आप इसकी सेटिंग को ऑन कर सकते हैं और साथ ही अपनी इस कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और गाइज ये ऊपर वाला ऑप्शन है, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये गाइज नोटिफिकेशन के लिए होता है, जैसे कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो गई या कॉल कनेक्ट हो गई, डिसकनेक्ट हो गई, तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन आता है ये उसका काम करता है। तो गाइज अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है तो इसे आप ऑन कर सकते हैं, वरना यहाँ से आप इसे ऑफ़ करके इजीली बैक कर सकते हैं। तो गाइज ये थी वो सेटिंग। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ही टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।